आ जाया कीजिए, ऑफलाइन ऑफलाइन आया कीजिए। ऐसे लाइव भी रहने से काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। क्लास आया कीजिए भाई, आपको लेकर मुझे टेंशन थोड़ा हो गया है, क्लास ही नहीं आता है ऑफलाइन। समझते समझते तो समझ में आना स्टार्ट होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए कि एरोमेटिसिटी का कंडीशन क्या क्या है। बोल कर नहीं, मन में रिवीजन कर लीजिए। याद हो गया क्या रहना चाहिए स्टूडेंट? सर रिंग रहना चाहिए। दूसरा, रिंग का जिस भी एटम से बना हुआ है उस ऑल एटम शुड बी इन द सेम प्लेन। बजाय अगर वो सेम प्लेन में नहीं रहेगा तो उसका प्योर और वाइटल के बीच में आपस में ओवरलैपिंग नहीं होगा। और अगर सिस्टम एरोमेटिक है उसमें रिजोनेंस ही कम होगा, तो किसी भी एरोमेटिक सिस्टम में रिजोनेंस शुड बी वेरी हाई, रिजोनेंस एनर्जी शुड बी वेरी हाई। थर्ड कंडीशन क्या है? हकल्स रूल। क्या है भाई? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कभी कभी अगर मुझे पाई इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो हम लोग लोन पेयर का हेल्प से भी उसको इंटेंसिटी को क्रिएट करेंगे, करेक्ट। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या था कि ऑल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी इन्वॉल्व इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, करेक्ट है? करेक्ट है ना यहां तक? चलिए अब यहां लिखिए कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, यहां देखिए स्टूडेंट, इनको बोलिए एक बढ़िया कॉपी बनाइए लिखने के लिए। इतना बढ़िया ऑर्गेनिक का नोटबुक चल रहा है, जहां कहीं भी मत लिखा कीजिए। देखते हैं कितना बढ़िया नोट्स वगैरह बन रहा है, इतना बढ़िया से ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं। एक जगह कंटेंट करेंगे तो दोबारा जाकर लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो लिखना चाहिए ना एक बढ़िया नोटबुक में। अभी बहुत कुछ बचा हुआ ऑर्गेनिक, बढ़िया से बना के आइएगा नोटबुक। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको एक लाइन में कवर कर देते हैं। ऑल कंडीशंस आर सेम, लिखिए ऑल कंडीशंस आर सेम, ऑल कंडीशंस आर सेम एज फॉर एरोमेटिसिटी, ऑल कंडीशंस आर सेम एज फॉर एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट All conditions are same as for aromaticity except total pi electron or non-bonding electron. Non-bonding electron हम लोग बोलते हैं lone pair को, correct? Total pi electron or non-bonding electron should be 4n pi, correct? देखिए ऐसे तो मैं यहाँ पे 4n, यहाँ देखिएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन लिखा हूं, बट समटाइम्स पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर भी आ सकता है, करेक्ट है ना? तो एक्चुअल में यहां पे n क्या है? अरे तो बोलिएगा कि सर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑल इंटीग्रल वैल्यू, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम, यहां पे जीरो नहीं रहेगा भाई, यहां जीरो रहेगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, करेक्ट है? इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर,
ऑल पोएट्री इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, करेक्ट है ना। अब उस एक लाइन को जो मैंने लिखवाया उसको डिकोड कीजिए, इसका मतलब है कि यहाँ देखिएगा, एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी रिंग होना पड़ेगा, करेक्ट। एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी प्लेन होना पड़ेगा, यहाँ तक चलेगा। एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी साइक्लिक कंजुगेशन दिखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट बोल दिया, जो मैंने थर्ड पॉइंट बोला वो क्या बोला, लास्ट पॉइंट। एंटी एरोमेटिसिटी एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए ऑल पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग शुड बी इन साइक्लिक कंजुगेशन। इसका मतलब एंटी एरोमेटिक होने के लिए लुक्स लाइक व्हाट, साइक्लिक कंजुगेशन, मतलब साइकिल में कंप्लीट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे करके पूरा साइकिल में ऐसा दिखना पड़ेगा, साइक्लिक कंजुगेशन भी दिखना पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि यहाँ पे रेजोनेंस जीरो होगा, इसमें रेजोनेंस क्या होगा, जीरो होगा, मैं लिखवा दूंगा। लेकिन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी में दो बेसिक डिफरेंस, पहला इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हैकल रूल। हैकल रूल जब दिया गया होगा तो दो चीज़ के लिए दिया गया होगा, एक एरोमेटिसिटी के लिए और एक एंटी एरोमेटिसिटी के लिए, करेक्ट। एरोमेटिसिटी के लिए क्या था, 4n+2, यहाँ पे क्या है 4n π, बाकी कंडीशन क्या है सेम है, बट दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस है। एक में रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होगा और दूसरा में रेजोनेंस टेंडिंग टू जीरो, बिकॉज इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में जो बॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में जो बॉन्ड को डिस्ट्रक्ट करता है, क्या आपस में ओवरलैप करेगा, ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, करेक्ट। समझ में आ गया है, तो नीचे लिखिए, नोट करके लिखिए, तो इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। MOT तो पढ़ चुके हैं, इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा। एक और पॉइंट लिखिए, इन एंटी एरोमेटिक सिस्टम रेजोनेंस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, रेजोनेंस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट। एक और पॉइंट लिखिए, अब लिखिएगा नॉन एरोमेटिक सिस्टम। तो बोलिए नॉन एरोमेटिक सिस्टम का क्या डिफिनेशन होना चाहिए, एक मिनट, कुछ भी हो सकता है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिवाइड किया जाए तो एक तो हो गया एरोमेटिक सिस्टम, करेक्ट, एक क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिवाइड करेंगे तो तीन कैटेगरी बनेगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक सिस्टम, करेक्ट, यही तीन कैटेगरी। बट ये डिवीजन किसके बेसिस पे है, डिवाइड करने का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी है कि एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो गया और एक फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड हो गया, करेक्ट, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजन हुआ। तो एक्चुअल में इसका डिफिनेशन रहेगा कि जो ना ही एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, दोनों में से कोई नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे आज के बाद, नॉन एरोमेटिक, करेक्ट। इसका मतलब इतना तो बोल ही सकते हैं कि जितना भी ओपन चेन रहेगा सब नॉन एरोमेटिक रहेगा, बट इज इट कंपल्सरी कि सिर्फ ओपन चेन रहेगा, साइक्लिक सिस्टम भी तो ऐसा हो सकता है, कोई साइक्लिक सिस्टम है और ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो लास्ट में बचा क्या, करेक्ट है ना। तो लिखिए नॉन एरोमेटिक के लिए, दो सिस्टम
विच आर नीदर एरोमैटिक नॉर एंटी एरोमैटिक, दोज कम सिस्टम विच आर नीदर एरोमैटिक नॉर एंटी एरोमैटिक। चलिए अब हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। जितना भी आपने कंडीशन पढ़ा है यहाँ से यहाँ स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग एरोमैटिक नॉन एरोमैटिक या एंटी एरोमैटिक किस कैटेगरी में रखें। पहला क्या पहला कंडीशन सर्टिफाई किया? सर ये तो पहले से पता है, फिर भी माहौल बना रहे हैं। पहला कंडीशन रिंग है, दूसरा कंडीशन प्लेनार है, तीसरा कंडीशन 4n+2 है, साइक्लिक कंजुगेशन भी है, मतलब ये सिस्टम क्या है? एरोमैटिक। लिखिएगा एरोमैटिक सिस्टम। बोलिए ये सिस्टम एरोमैटिक है या नहीं है? एंटी एरोमैटिक है या नहीं है? एक मिनट, पहला कंडीशन सर्टिफाई किया है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? रिंग। सेकंड कंडीशन सर्टिफाई किया या नहीं किया? ऐसे नहीं बोलना भाई, चेक करके कम से बता देना है। सेकंड कंडीशन क्या था? कौन किसको प्लेन में होना चाहिए? जिससे रिंग बना हुआ है। रिंग किससे बना हुआ है भाई? भाई बातों को डिकोड करना है। रिंग किससे बना हुआ है? कार्बन से। तो ऑल 7 कार्बन एटम शुड बी इन द सेम प्लेन। ये है sp2 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 sp3। क्या है? बट sp3 का हाइड्रोजन में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन, एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन, sp2 एटम शुड बी इन द सेम प्लेन। तो इससे डायरेक्टली अटैच तो एक कार्बन है, एक कार्बन और एक कार्बन, एक ये हाइड्रोजन और एक कार्बन, सेम प्लेन में होगा या नहीं होगा? होगा। ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में हो भी सकता है? और तो मेरा सेकंड कंडीशन में तो सर्टिफाई हो रहा है। थर्ड कंडीशन 4n+2 का नहीं, कैसे हो रहा है भाई? देखिए ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा कि जितने चार जो कंडीशन यूनिवर्सिटी का है उसमें कौन सा कंडीशन को सर्टिफाई नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन रहेगा, करेक्ट? तो 4n+2 को एक सर्टिफाई नहीं कर रहा है। n=1 करेंगे तो कितना? 6। तो 2 2 4 2 6, तो थर्ड कंडीशन भी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन था कि 6 का जो 3 जो पाई बॉन्ड है, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या साइकिल में ऐसे घूम रहा है? रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर रेजोनेंस तो हो रहा है, बट पार्ट ऑफ द रिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा साइकिल में रेजोनेंस। इस वजह से, इसका मतलब फोर्थ कंडीशन के वजह से एरोमैटिक सिस्टम नहीं है, करेक्ट? समझ में आ गया? एंटी एरोमैटिक है क्यों सर? एंटी एरोमैटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हगल रूट 4n+2 को फॉलो किया है, राइट? तो ना ही एरोमैटिक है ना ही एंटी एरोमैटिक है, तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमैटिक। क्लियर है सबको? लिखिए, तो दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमैटिक, ठीक है ना? चलिए स्टूडेंट यहां देखिए, ये सिस्टम क्या है चेक करके बताइए। ये सिस्टम पहला कंडीशन सर्टिफाई हो गया, सेकंड कंडीशन सर्टिफाई हो गया, थर्ड कंडीशन सर्टिफाई हो रहा है, फोर्थ कंडीशन। आपको कैसे पता कि साइकिल में घूमेगा? शॉर्टकट नहीं लेना है, खासकर जिनका एक बार किया हुआ है उनके तो फाइन,
बट इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करवाया होगा, करेक्ट? तो एक्चुअल में आपको एक क्रॉस चेक करके अभी बताना है कि जितना 6 का 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरा साइकिल में घूम रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार चेक करके बताइए। तो मतलब डायरेक्टली कहने का सेंस है ड्रॉ ऑल आर एस, ऑल आर एस को ड्रॉ कीजिए और कितना आर एस मिला वो बताइए। हाउ मेनी आर एस एवरीवन? 7। एक मिनट, उस 7 आरएस में आपको देख कर बताना है कि क्या सारे कार्बन पे एक बार पॉजिटिव जा गया है, और उस 7 आरएस में देख कर बताना है कि क्या हर कार्बन का हर 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक बार पाई बॉन्ड गया है। और इसको कार्बन नंबर 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 5 बोलते हैं, 6 बोलते हैं, 7 बोलते हैं, तो क्या हर 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 टाइम पाई बॉन्ड? जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है इसमें तो नहीं नजर आया है, बट देखिए तो यहाँ पे आया है, डैम श्योर आया होगा। अगर नहीं आएगा मतलब वो एरोमेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि साइकिल में घूमने का मतलब हर दो कार्बन के बीच में उसको एक बार एटलीस्ट 1 टाइम आना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कंजुगेशन, ठीक है? अब यहां देखिए, अब कंपेयर करते हैं इस 2 स्ट्रक्चर को, सबका हो गया ना एवरीवन? तो हम लोग एग्जाम्पल ए और बी को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। ए और बी में बी एरोमेटिक है बट ए एरोमेटिक नहीं था, किसके आने से एरोमेटिक हो गया, किसने आकर क्या किया? सर वो जो कार्बो का टाइम पॉजिटिव चार्ज आया उसने आकर पूरा साइक्लिक कंजुगेशन क्रिएट कर दिया, करेक्ट? तो आज के बाद दोज कार्बो कटायन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, बातों को समझिए, दोज कटायन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ये नहीं रहता तो ये नॉन एरोमेटिक रहता, जनरेशन फॉर एरोमेटिसिटी देन कॉल्ड एरोमेटिक कटायन। क्या बोल देंगे? एरोमेटिक कटायन। सारे कटायन को एरोमेटिक कटायन नहीं बोलेंगे, जिसके वजह से क्या होता है साइकिल में कंजुगेशन क्रिएट हुआ उसको बोलेंगे एरोमेटिक कटायन। एक बार लिखिए, दोज कार्बो कटायन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, दोज कार्बो कटायन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी are called aromatic carbocation। यहां तक क्लियर है? करेक्ट है एवरीवन? यहां देखिए, बाद में इस पॉइंट को मैं लिखवा दूंगा अंडर द अदर हेडिंग, बट दिमाग में आएगा सर एक कटायन आएगा कैसे, ये भी तो हो सकता है, कटायन डेवलप कैसे होगा? यहां देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं यहां पे क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन। इसमें Ag+ दे दिए, क्या दे दिए? Ag+।
तो ए जी प्लस रेडीमेड नहीं मिलेगा, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। क्या डालेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। तो आज के बाद एक कॉमन डायलॉग याद रखिएगा, सिल्वर प्लस ए जी प्लस को एक खास ग्रुप के लिए खास इफेक्शन होता है, और ग्रुप है हेलोजन ग्रुप। क्या है? तो जहाँ भी ए जी प्लस रहेगा और हेलोजन ग्रुप है, ए जी सी एल प्लस सी हेलोजन ग्रुप है, वो उसको वहाँ से ट्रैप करता है, ले लेता है। सिर्फ लेता नहीं है, लेकर प्रेसिपिटेट हो जाता है, बैठ जाता है। करेक्ट, बिकॉज ए जी सी एल इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन। तो एक्चुअली ए जी प्लस यहाँ से क्या लेगा, बोलिए भाई, थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। क्या लेगा? सी एल माइनस बोलिए, नॉट सी एल। यह है ए जी प्लस, यहाँ से लेगा सी एल जीरो, सॉल्ट बनेगा सी एल प्लस। क्या लेगा? माइनस। तो भाई सी एल माइनस कैसे होगा? इसका मतलब सर, यहाँ पे सी एल माइनस होने का मतलब है कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होना है। तो भाई यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा या दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? यहाँ देखिए रागिनी मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? दो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक किसका है? ये दोनों यहाँ से ए ले लेगा। करेक्ट। तो किसको लॉस हो गया? तो अब मजाक मजाक में एक रिएक्शन पढ़ लिया जिसका नाम था रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी, रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए 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 अभी कि सर ये फिर रिएक्शन होगा क्यों? तो पहला तो रिएक्शन होने का क्राइटेरिया और कंडीशन है कि ए जी प्लस को खास इफेक्शन है। करेक्ट। दूसरा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अगर खुद से हो रहा है, खुद से स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब डैम से उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा बजा रहा होगा। अगर इसमें ये दे दिए और रिएक्शन खुद से होना स्टार्ट हो गया, करेक्ट, एनएच में एचसीएल डाल दिया, खुद से हो रहा है, तो कोई ना कोई बजा रहा होगा। तो सर ये तो बजा यही था, एसिड प्लस बेस बिकम सॉल्ट एंड वाटर, उसके पीछे प्रोसेस था हाईली एक्सोथर्मिक। क्या था? एनर्जी रिलीज हो रहा है, सिस्टम स्टेबल हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ से यहाँ के पीछे का मेन वजह था कि सर यहाँ पे अभी तक ये नॉन एरोमेटिक बना हुआ था। क्या था? नॉन एरोमेटिक। अगर इस तरफ शिफ्ट करता है, तो ए बन जाएगा एरोमेटिक। क्या बन जाएगा? प्लस जो भी एजीसीएल रहेगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो कोई भी नॉन एरोमेटिक सिस्टम, अभी लिखना नहीं है, लिखवा देंगे, बस अभी समझिए। तो कोई भी नॉन एरोमेटिक सिस्टम में अगर थोड़ा भी कंडीशन दे रहे हैं, दैट्स वाई कोई एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट हो, एरोमेटाइज हो, देन नो फोर्स कैन स्टॉप इट, और रिएक्शन होगा ही होगा और फास्ट होगा, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम नॉन एरोमेटिक सिस्टम से ज़्यादा स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं, इस तरफ जाना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, इनर्जी रिलीज करेगा। करेक्ट। तो आज के बाद नॉन एरोमेटिक सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाना चाहेगा? एरोमेटिक सिस्टम में। लेकिन खुद से होगा या उसके लिए कुछ कंडीशन देना पड़ेगा? इसमें अगर ए जी प्लस नहीं देते तो क्या खुद से होता? खुद से होने के लिए या तो हीट करना पड़ता, नहीं तो ए जी प्लस देते। तो यहाँ से यहाँ, अब तो सर ये तो हम लोग का अचानक से आइडिया कैसे आएगा? अचानक से नहीं आएगा, सर्टन प्रैक्टिस करते करते। आप जब कैसे रिजोनेंस पहला क्लास में पेन नहीं, सपर नहीं बढ़ रहा था, कहीं से कहीं इलेक्ट्रॉन को भेज रहे थे, एक एक बार में 10-10 एरो दे रहे थे, राइट, मौका मिलता तो 20 एरो भी दे देते। धीरे धीरे करके बातों को तोड़ तोड़ के हम लोग सीखे हैं। करेक्ट। वैसे यहाँ सीख रहे हैं। तो अब समझ में आ गया कि कैसे कटायन डेवलप होगा। अब लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब यहां देखिए, पहला क्वेश्चन, यहां पे कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा रिंग के साथ? ये तो रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ भी किए हैं। इफ एनी पॉजिटिव चार्ज कन्वर्टेड विद पाई बॉन्ड, और अगर वो पाई बॉन्ड होमोटोमिक है, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस तो करेगा। मेरा सेकेंड क्वेश्चन, ये कार्बोकैटायन एरोमेटिक कार्बोकैटायन है या नहीं है? यही ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, एक कार्बोकैटायन को एरोमेटिक कार्बोकैटायन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलिए,
नहीं, इनके मन में कुछ डाउट है तो हाँ या ना कुछ तो बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? ये तो ये पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है। देखिए, दिस कार्बोकैटायन इज नॉन एरोमेटिक, नो डाउट ये पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है, बट जो रिंग एरोमेटिक है उसके लिए क्या ये कैटायन रिस्पॉन्सिबल है? या विदाउट हेल्प ऑफ कार्बोकैटायन नो डाउट इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, बट इसका एरोमेटिसिटी के लिए इसके हेल्प का रिक्वायरमेंट है क्या? तो वैसा कार्बोकैटायन जिस प्रेजेंट है लेकिन उसका उसके वजह से एरोमेटिसिटी क्रिएट नहीं हुआ है तो उसको हम लोग एरोमेटिक कार्बोकैटायन नहीं बोलेंगे। करेक्ट, ऐसा नहीं कि सिस्टम एरोमेटिक था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था मॉलिक्यूल में तो इसको भी एरोमेटिक कार्बोकैटायन बोल दें। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, एरोमेटिक कार्बोकैटायन या नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन? नॉन एरोमेटिक क्या बोलेंगे? और क्या बोलकर ये बोलना है कि बिकॉज रिंग इज ऑलरेडी एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ कैटायन, लिख लीजिएगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन एरोमेटिक कार्बो कैटायन। ठीक है ना? चलिए रीजन लिख लीजिएगा, बाद में भूल जाइएगा। रीजन में क्या लिखिएगा? बिकॉज रिंग इज ऑलरेडी एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ए सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है? पहला कंडीशन सर्टिफाई हो रहा है, दूसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन, अब फोर्थ कंडीशन। सर फोर्थ कंडीशन छोड़िए, ये तो पहला लाइन को ही सर्टिफाई नहीं कर रहा है। रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी। रेजोनेंस करेगा किसके साथ? यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो जो सबसे प्राइम पॉइंट था रेजोनेंस ही नहीं हो रहा भाई, राइट? दैट्स वाई एरोमेटिक नहीं है। करेक्ट है ना? इसको एंटी एरोमेटिक बोलिएगा। ये तो लॉजिक हो गया ना कि सर जो 4N प्लस 2 को सर्टिफाई करेगा वो 4N को सर्टिफाई नहीं करेगा, जो 4N प्लस 2 को सर्टिफाई करेगा वो 4N को सर्टिफाई नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर बचा क्या? दिस एग्जांपल ऑफ व्हाट, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, नॉन एरोमेटिक। अब यहां देखें, अब रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? हाउ मेनी आर एस? ऑलरेडी बहुत बार ड्रॉ कर चुका है, इसका दोबारा ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं है। क्या ये पूरा जो दो इलेक्ट्रॉन है वो साइकिल में घूम जाएगा? ओके, करेक्ट। इसका मतलब है कि ये क्या बन गया? एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक कैटायन। क्या बोलेंगे? किसके आने से ऐसा हुआ? करेक्ट है ना? तो ये है नॉन एरोमेटिक, ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ये क्या है? एक मिनट, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, लुक्स लाइक कि सर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस टेंडिंग टू जीरो। एक किसको सर्टिफाई कर दिया? फोरेन को। किसको सर्टिफाई किया? साइक्लिक कंजुगेशन तो है ना। यहाँ देखिए, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, साइकिल में कंजुगेशन है, तो ऑल कंडीशन आर सेम एज फॉर एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट हकल रूल, 4N प्लस 2 रूल। तो यहाँ पे 4N को सर्टिफाई कर रहा है, साइक्लिक कंजुगेशन भी है, तो सारा कुछ तो सिमिलर दिख रहा था, बस इसमें 4N इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया? 4N, N इक्वल टू 1, तो 4, 2 और 2, 4, करेक्ट। तो ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक, करेक्ट है ना? यहाँ देखिए, ये एंटी एरोमेटिक किसके वजह से हुआ? बोलना है भाई थोड़ा, कार्बन आयन। ये एरोमेटिक किसके वजह से हुआ? तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक अनायन। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कैटायन, करेक्ट।
इन तीनों में रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? या उससे भी, यहाँ देखिएगा, उससे भी बढ़िया क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ। इन तीनों में पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। रेजोनेंस में किसका एनर्जी रिलीज होता है? तो सब पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, तो सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कहाँ रहेगा? सी में। सी में रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है। सी में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रहता है वो उसका एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है, करेक्ट? तो सबसे ज़्यादा यहाँ इसमें रहेगा, इसका एनर्जी लेवल रहेगा। उसके बाद इसका रहेगा, सबसे कम किसका रहेगा, करेक्ट है ना? तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ऑर्डर रहेगा सी ए। समझ में आ गया सबको? तो आप देखे होंगे कि जितना भी मैंने आपको रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करवाया था तो उसमें एक एग्जांपल लेने से बच रहा था, शायद नहीं लिया होगा, बिल्कुल भी नहीं लिया होगा। अभी से आप पीछे देख सकते हैं पेज में, बिल्कुल नहीं मिला होगा, क्योंकि कुछ टाइम तक मैं एंटी एरोमेटिक पढ़ाया ही नहीं था। इसमें रेजोनेंस ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग टू क्या रहेगा? जीरो रहेगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तो यही रहेगा, हाँ है ना? तो ये मेरा क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल में वैसा कार्बोकैटायन जिसके वजह से सिस्टम एरोमेटिक बना है उसको जनरली हम लोग ऐसे भी दिखाते रहते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, सेंटर में दिखाते हैं, बाकी सबके लिए ऐसा नहीं करना है। सिर्फ किसके लिए? जहाँ पे एरोमेटिक कार्बोकैटायन को रिप्रेजेंट करने का ऐसा भी तरीका है, क्योंकि ये पाई क्लाउड तो पूरा रिंग में घूमते रहेगा और उसके पीछे का वजह कौन बना? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे भी रहता है, जैसे कहीं भी अगर ऐसा दिखाया हुआ है, कहीं भी अगर ऐसा दिखाया हुआ है, इसका मतलब कार्बोकैटायन क्या है? एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, करेक्ट है ना? तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। सबको समझ में आ गया? चलिए स्टूडेंट, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा नीट में, ठीक है? ए बी सी। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इन तीनों में कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, या कौन क्या है वो बताइए। पहले लिख तो लें चीजों को। देखिए, तो ये एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक किसी का भी एक कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे,
सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने से क्या एंटी एरोमेटिक होगा, या उस 4n पाई को साइक्लिक कंजुगेशन, ये साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। तो दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ साइक्लिक कंजुगेशन। और जहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन ही नहीं है वो तो दोनों में कुछ भी नहीं होगा, दरअसल ये क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, कैसे काम चलेगा भाई, नॉन एरोमेटिक में रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस होगा, साइकिल में नहीं होगा, राइट। ये बोलना है ना, मेरा क्वेश्चन है रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, सर नहीं होगा, रेजोनेंस क्यों होगा, ये नॉन एरोमेटिक है। इसके हिसाब से तो इन सब जगह पे रेजोनेंस नहीं करना चाहिए, ये भी नॉन एरोमेटिक है, यहाँ होगा या नहीं होगा। चलिए ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है ना। पहला कंडीशन सर्टिफाई हो गया, दूसरा कंडीशन सर्टिफाई हो गया, और लास्ट कंडीशन भी सर्टिफाई हो गया, साइक्लिक कंजुगेशन। बट थर्ड कंडीशन में 4n पाई को सर्टिफाई किया, 4n प्लस 2 या 4n पाई, 4n पाई, दैट्स वाई ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, समझ गए। और ये क्या है, एरोमेटिक, ये 4n प्लस 2 को सर्टिफाई कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ डिटो सेम है, साइक्लिक कंजुगेशन भी है, इस 4n प्लस 2 को सर्टिफाई कर रहा है। तो इसका क्या नाम बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन, क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक, और इसको क्या बोलेंगे, कार्बानायन, लिख लीजिए, तो है एरोमेटिक। सोचिए ना, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है फ्री में 4 मार्क्स पहचानने का, क्योंकि पहचानेंगे तभी तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर निकालेंगे। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ होगा, ऐसे आपको कैसे पता चला कि एरोमेटिक है, इसका 5 RS ड्रॉ किए हैं, ये ड्रॉ करवाया होगा मैं, कितना RS है, 5 RS, करेक्ट। तो इसका देखिएगा कि हर कार्बन पे एक बार निगेटिव गया है, हर का ये एक्चुअली वहाँ पर ड्रॉ करवाया था जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा था, कहाँ पर, और यहाँ पे कार्बन कार्बन, क्योंकि इसका 5 का 5 ऑल RS 100% पक्का ड्रॉ करवाया होगा, देख सकते हैं। और इसका ऑल RS 100 इक्वलेंट था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था, 7/5 आया था, 7/5, तो 7/5 कितना, 1.4, ये होगा ना 7/5, आप लोग समझे 7/5 कैसे आया था भाई। यहाँ पे एक जगह पे 2 बार डबल बॉन्ड और 3 बार सिंगल बॉन्ड रहा होगा, 2 बार डबल बॉन्ड और 3 बार, तो 2 × 2 + 3 × 1 और डिवाइड बाई टोटल RS 5, तो कितना हो गया 7/5। चलिए, तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किस में, सी, उसके बाद ए, और सबसे कम बी। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग एटलीस्ट ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे, कौन सा गिवन सिस्टम एरोमेटिक है, कौन सा गिवन सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, और कौन सा गिवन सिस्टम नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, एरोमेटिक सिस्टम, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उस कार्बन आयन को कहीं कहीं पे ऐसे भी दिखाया रहेगा, ऐसे सर्कल बना के, ठीक है, बीच में निगेटिव, तो इसके वजह से ही क्या क्रिएट हुआ है, निगेटिव ऐसे बीच में दिखा रहा था, मतलब दिस निगेटिव चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है ना। इफ दोज निगेटिव चार्ज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी आर कॉल्ड एरोमेटिक अनायन, क्या बोलेंगे, और अगर कार्बन पे तो बोलेंगे एरोमेटिक कार्बन आयन, क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। अगर लिखना चाहते हैं तो एक लाइन मिला लीजिए, दोज नेगेटिव चार्ज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी आर कॉल्ड एरोमेटिक कार्बन आयन, आर कॉल्ड एरोमेटिक कार्बन आयन।
यहाँ तक हो गया। जरा इसे चेक करके बताएं तो भाई, देखिए ऑनलाइन के स्टूडेंट आंसर देने से पहले बिल्कुल एक होता ना, आंसर दे रहे हैं तो पूरा क्रॉस चेक करके, ऐसा नहीं कि हाँ बस देखने से पता चल रहा है। आपने चेक किया जो भी आंसर दे रहे हैं उन्होंने क्या सारा आर साइक्लिक कंजुगेशन करके देख लिया रेजोनेंस? देखिए ऐसे देख के कैसे पता चलेगा भाई, मुझे तो रेजोनेटिंग एसिड ड्रॉ करना पड़ता था फर्स्ट इनिशियल टाइम पे, अपने टाइम पे। इसका मतलब आप लोग बहुत ऊपर के चीज़ हैं। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो सब लोग बता देगा, रिंग है। सेकंड प्लेनार, थर्ड फोरेन प्लस टू हो रहा है ना भाई, फोरेन प्लस टू में एन का वैल्यू जीरो, तो दो इलेक्ट्रॉन तो है, दो टू पाई इलेक्ट्रॉन। थर्ड भी हो रहा है, चेक क्या करना है, 100% एरोमेटिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिनके माइंड में आ रहा था कि सर कंजुगेशन पोएटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज करेक्ट, लेकिन आपको चेक करना है कि साइकिल में घूमेगा या नहीं घूमेगा। तो वेन होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ से कहाँ, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज इधर घूमे या इधर घूमे, सर एक ही बात है। इधर आते हैं तो ए यहाँ देखिए, तो मैंने सही ड्रॉ किया बट एक बार अगर ऐसे चल दिए तो ऐसे ही चलते रहिए, ठीक है। करेक्ट है ना, ये तो पूरा साइकिल में घूम गए, पूरा साइकिल में हर दो कार्बन के बीच में आया है एटलीस्ट एक बार पाई बॉन्ड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। यहां पे वन पॉजिटिव चार्ज दें या दो, दोनों रिस्पॉन्सिबल, दोनों मिलकर एक काम किया है करेक्ट। सिर्फ एक रहता तो एरोमेटिक सिस्टम होता क्या, रेजोनेंस होता, पर सिर्फ यहां से यहां तक होते रहता राइट, पूरा रिंग में नहीं घूम पाता। तो इसके लिए कितना चार्ज था, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। ए सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है, मुझे तो चेक करने के लिए दिया जाएगा, तो मैं चार पॉइंट पढ़ूंगा। पहला रिंग है प्लेनार फोर एन प्लस टू, लास्ट में लास्ट चेक करने के लिए आर एस ड्रॉ करूँगा, एक बार घूमूंगा रिंग में राइट। ड्रॉ कीजिए सब लोग, शॉर्टकट मत लीजिए, फिर भी ड्रॉ कीजिए। सब सोच रहे थे सर बोल रहे ठीक है चलो कोई बात नहीं, ड्रॉ कीजिए भाई, इससे प्रैक्टिस हाई स्पीड आ जाएगा रेजोनेंस में। आप इसका जब ऑल
फोर आर एस ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखिएगा, इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, लेकिन एक बार अगर ऐसे घूमे तो लास्ट तक ऐसे ही घूमिएगा, करेक्ट। तो आपको चार आर एस मिलेगा और हर कार्बन पर निगेटिव चार्ज मिलेगा, राइट। और हर दो कार्बन को जो एक बार पाई बॉन्ड आएगा, एक क्रॉस चेक कर लीजिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन रहा होगा, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस एंड डेल माइनस। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोटबुक, इसमें जब जितना एग्जांपल मैं लूँगा, चाहे रिएक्शन हो या जीओसी हो, उतना भी कोई स्टूडेंट मेडिकल का डाइजेस्ट कर लेगा तो ऑर्गेनिक में 17 में से 15 क्वेश्चन तो पक्का लगा के आ जाएगा, 200% गारंटी। वे जो ऑर्गेनिक यहाँ पर चलता है वो आई टी एडवांस लेवल का चलता है, ठीक है, और आप नीट उससे बहुत नीचे है उसका लेवल। तो एग्जाम्पल पर भी अगर आप पकड़ बना लीजिए, जिसको होता ना कि मतलब महान कह सकते हैं कि लेजी है या नहीं टाइम है, वो इतना भी अगर काम कर लेते हैं तब भी काम चल जाएगा। दिस इज द रीजन कि मैं यहाँ पर सफिशियंट एग्जाम्पल प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, बट इतना पे तो हाई एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन डाल दें, राइट। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना निगेटिव, ठीक है, मतलब वो दो एक, उसका मतलब हुआ कि वो दो निगेटिव के वजह से ही सिस्टम क्या बना है, एरोमेटिक बना है, करेक्ट है ना। तो एटलीस्ट इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि कौन सा गिवन सिस्टम एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, करेक्ट। यहां देखेंगे स्टूडेंट, अरे ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि सर यहाँ पे जीरो क्या कर रहा है, ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है, एक मिनट, ये ऑक्सीजन है, करेक्ट। विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर एरोमेटिक हो सकता है, या विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर क्या ये साइक्लिक कंजुक्शन में आ पाएगा, पहले तो नहीं आ पाएगा। और इसको एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए क्या चाहिए, 4N+2, चार तो है बट ये जो दोनों आपस में साइक्लिक कंजुक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है, और साइक्लिक कंजुक्शन क्रिएट करने के लिए पहला तो लोन पेयर का हेल्प लेंगे, साइकिल में आ जाएगा, तो ये हम लोग लेने का रिक्वायरमेंट है, खुद ही कर लेगा। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, प्लस बैंक में कितना पैसा उससे आपको क्या मतलब है, आपको कितना लोन चाहिए उससे मतलब होना चाहिए, राइट। तो आपको एरोमेटिसिटी क्रिएट करने के लिए इसके पास दो लोन पेयर है, नहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे बोले ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, देखिए बच्चे तो डिफरेंट डिफरेंट बैच में बहुत कमाल का आंसर देते हैं, उससे मैं भी कुछ सीखता हूँ। सर 4N π आपने बोला, राइट, तो 2 2 4 2 6 2 8 एंटी एरोमेटिक हो गया, क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। फिर उनको बहुत प्यार से समझाना पड़ता है कि स्टूडेंट मैंने बोला था कि एक एटम से दो एरो हम लोग नहीं लेके जाएंगे, पहला बात तो आप एक एट ए टाइम दो लोन पर ले ही नहीं सकते हैं, पहला आंसर काउंटर अटैक, और दूसरा मुझे रिक्वायरमेंट था कितने का, तो क्या इसके पास कितना लोन पर है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्रिएट क्या करना था, एरोमेटिक सिस्टम। तो अब जोड़िए 2 2 4 और 2, इसका मतलब इस पर बहुत बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं एक हाई लेवल का जो इस पे क्वेश्चन हार्सन से रिलेटेड दिया जाएगा। तो भाई दिस सिस्टम, इसका नाम क्या है, इसका नाम फ्यूरान है, गलती से इसका नाम क्या है, फ्यूरान, राइट। अभी कितना दिन हुआ है नॉमचर खत्म हुए हुए, आप लोग बोले थे सर अब तो याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। तो दिस सिस्टम इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, कितना, इसका मतलब है कि दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिक सिक्स्टेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिक्स्टेट, 6 में से 2 है, सिक्स्टेट मतलब 6, इसमें से 2 क्या है लोन, एक लिख लीजिए, दिस सिस्टम इज एरोमेटिक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन
इट मीन्स वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन एरोमैटिक सिक्स्टेट इज इन्वॉल्व इन एरोमैटिक सिक्स्टेट यहां देख लीजिए। चलिए लेकिन इसका एक बार रेजोनेंस कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ द ऑल आर एस, चलो ट्राई कीजिए, आर एस ड्रॉ कीजिए। यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, क्या बॉन्ड बनाएगा? ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, हाँ या ना? नहीं बनाएगा तो क्यों नहीं बनाएगा? एसपी तो नहीं होगा, एसपी नहीं होगा। उसके पीछे का वजह है कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास अभी कितना लोन पेयर बचा हुआ है? एक बचा हुआ है भाई, यहाँ भी कितना बचा हुआ है? दो लोन पेयर था ना, आपने कितना लोन पेयर लिया? अब अगर इसके साथ अगर बॉन्ड बना लेते हैं, अगर बॉन्ड बनाते हैं समथिंग लाइक दिस, करेक्ट, तो एक लोन पेयर तो बचा हुआ है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? दो, लोन पेयर वन, एस्टेरिक नंबर थ्री, हाइड्रोजन एसपी टू तो पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे एसपी नहीं है, इस वजह से मैं नहीं होगा। लेकिन इसके ऑक्सीजन के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया? और ऑक्सीजन में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है, ये प्रॉपर रीजन था इसका, बात समझे? इसका मतलब ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? तीन। कहीं पर देखे ऑक्सीजन चार बॉन्ड बनाए हुए हैं? नहीं बनाए हुए, करेक्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो नहीं बनाएगा तो फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। अब समझे कि आर एस ड्रॉ करने से क्या फायदा होता है, बीच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं क्या हर दो कार्बन या हर बॉन्ड के पास एटलीस्ट एक बार डबल बॉन्ड बना है या नहीं बना है, चाहे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन का, हर जगह पे पाई बॉन्ड बना है, करेक्ट। और कहां कहां पे निगेटिव, क्या हर कार्बन पे एटलीस्ट एक बार निगेटिव गया है? चार ही कार्बन है ना, उन चारों कार्बन के पास देखिए तो एटलीस्ट एक बार निगेटिव डेवलप हुआ है, हुआ होगा, करेक्ट। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा रहेगा? यहां पे डेल डस प्लस, यहां पे डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस एंड डेल माइनस, एंड फ्यूराइन इज फाइनली एक एरोमेटिक सिस्टम है, और किसके हेल्प से एरोमेटिक बना? विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट है। यहां तक हो गया ना? इसका नाम क्या है? पायरोल, वेरी गुड। ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है, और है तो किसके हेल्प से है? क्या पाई बॉन्ड अकेले एरोमेटिसिटी क्रिएट कर पाएगा यहाँ पे?
तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा? लोन पेयर का, क्योंकि लोन पेयर इंक्लूड करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब लास्ट चीज़ आपको चेक करना है, बोलिए क्या? 4n+2 तो हो गया हेल्प से, अब चेक करना पड़ेगा कि ऑल 4n+2 इलेक्ट्रॉन साइकिल में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ड्रॉ ऑल आर एस। इसका 5 RS मिला होगा और हर कारण पे एक बार निगेटिव आया होगा। डेल माइनस यही इसका रिजोन साबिर है। एंड फाइनली पायरोल इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, राइट? इसका मतलब दिस लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। दिस लोन पेयर इन्वॉल्व इन व्हाट? एरोमेटिसिटी। ये बहुत खास एग्जाम्पल हम लोग लिया था। क्यों खास था? यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि रिंग में अप टू 8 or 9 मेंबर रिंग तक sp एटम पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, करेक्ट? तो यहाँ पे एल पहली बात की सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है, और एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए क्या लोन पेयर का इन्वॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है? भाई लोन पेयर का हेल्प तो तब लेते हैं ना जब कमी होता रहता है, राइट? किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब फर्स्ट थिंग कि दिस सिस्टम पिरिडीन इज एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट? दूसरी बात, एक तो लोन पेयर चाहकर भी रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, वजह जैसे एरोमेटिक रेजोनेंस में आएगा तो नाइट्रोजन बिकम्स sp, इज इट राइट? नाइट्रोजन बिकम्स sp, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन बिल्कुल लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे ही लोकलाइज है। लोकलाइज मतलब जहां पे है वहीं पे, डीलोकलाइज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? लोकलाइज है, करेक्ट? तो दो एग्जांपल आपके यहां देखिए आपके सामने दो एग्जांपल है, एक पिरिडीन एक पायरोल, एक पिरिडीन और एक पायरोल में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, अब पिरिडीन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, बट कहां किसका लोन पेयर नाइट्रोजन पे ज्यादा रहेगा, उसी पे रहेगा या ज्यादा देर तक रहेगा? पायरोल का लोन पेयर तो नाइट्रोजन पे नाम मात्र का है, वो किसी और चक्र भी वो इन्वॉल्व हो गया, जो उसका नाम है एरोमेटिसिटी। क्या है? एरोमेटिसिटी। तो सर इससे क्या क्वेश्चन आएगा? इससे क्वेश्चन भाई ये आएगा, पायरोल और पिरिडीन में विच वन इज मोर बेसिक, क्या आएगा? विच वन इज, एक मिनट, अमोनिया लुइस बेस है, किसके वजह से? ड्यू टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो भाई जिसके पास जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा उसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा रहेगा, तो इसका लोन पेयर तो यहाँ पे लोकलाइज है, ज़्यादा अवेलेबल है, बट इसका लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है या कहीं और इन्वॉल्व हो गया? कहाँ इन्वॉल्व हुआ? एरोमेटिसिटी में। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, करेक्ट है ना? समझे नहीं समझे? समझ में आ गया? ठीक है, डोंट वरी, एसिडिटी बेसिसिटी का कम बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाता हूँ।
और सब ये सब चीज़ें दोबारा आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोल दिए तो बाद में आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कुछ चीज़ ऐसा रहता ना कि आगे पढ़ाना रहता है तो पहले से थोड़ा बोलना स्टार्ट करते हैं। ओके हो गया ना, इसको हटाया जाए। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यहाँ देखिए भाई, अभी फेस्टिव सीजन है, आते रहेगा फेस्टिवल। अब ऐसा है कि 20 दिसंबर था तो लोग बोले सर 25 दिसंबर को क्रिसमस का छुट्टी मिलेगा, 25 दिसंबर ख़त्म हो गया सर भाट वाट 1 जनवरी, वो ख़त्म हुआ नहीं कि सर भाट वाट बिहू, अब वो ख़त्म होगा नहीं कि फिर से होली, तो ये तो आते जा रहा है ना भाई। बट आपको तो लास्ट मौका मिला है पेरेंट्स की तरफ से, इसमें नहीं, जो भी यहाँ का लोकल फेस्टिवल बिल्कुल छुट्टी दिया जाएगा। बट आज के डेट में हम लोग के साथ एक बेनिफिट है टेक्नोलॉजी का, आप यही चाहते ना घर पर रहें सर बिहू में, आराम से खाइए घर पर रहिए पढ़ते रहिए, मैं आपको सेंटर पर नहीं बुलाऊँगा बट क्लास तो कर ही सकते हैं। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लास, टेक्नोलॉजी का इससे बढ़िया यूज हो। पहले क्या होता था, यू कांट बिलीव, पहले छुट्टी के नाम पे मतलब मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता था सिलेबस को लेके, अच्छा इतना दिन छुट्टी रहेगा फिर कैसे मैनेज करेंगे, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसे कोऑपरेट कीजिए, 10 बार रिक्वेस्ट करते थे स्टूडेंट से प्लीज़ मान जाइए क्लास कर लीजिए, अभी छुट्टी जाइए ठीक है घर पर रहिए, रात में भी क्लास कर लेंगे या सुबह शाम दोपहर 3 बार क्लास लगा देंगे, छुट्टी कंपनसेट हो जाएगा, तो इसलिए अभी टेंशन ही नहीं है। बट फिर भी छुट्टी रहेगा एक दिन बिहू का, अच्छा नहीं चाहिए। चलिए पहले पढ़ लीजिए, अब लिखिए एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी, एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी का पहला ही लाइन क्या था, रेजोनेंस इज द मदर ऑफ व्हाट, इसका मतलब कोई भी सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम है तो उसमें रेजोनेंस एनर्जी शुड बी वेरी हाई, रेजोनेंस एनर्जी शुड बी व्हाट, इसका मतलब है कि एरोमेटिसिटी और अगर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा तो एरोमेटिक सिस्टम ज़्यादा, एरोमेटिसिटी ज़्यादा तो क्या बोल सकते हैं एरोमेटिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी कहीं कहीं पे दो रिंग भी रहेगा तो दोनों रिंग का कंबाइन करके लेना है या पर रिंग, एक बार लिखिए। तो कल का क्लास लास्ट क्लास ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है आज के इतना ही।